हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते, इट्स मी ज़िदान, मेरी जान। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज़िदान शाहिद अली। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं आपका होस्ट संतोष शाहिद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? हाय एवरीवन, मैं सामिया, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, इंतज़ार हुआ ख़त्म, ज़िदान का एसएससी रिजल्ट आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। कितना परसेंटेज आया ज़िदान? बताएंगे सबको, इसलिए तो हम आए हैं, है ना। तो ये जो क्यूरियोसिटी है, जितनी आप लोगों को है उतनी क्यूरियोसिटी हम लोग की भी थी। जब तुम पेपर देने जा रहे थे ज़िदान, कभी कभी मम्मा तुमको छोड़ने जाती थी एग्जामिनेशन हॉल में, कभी मैं जाया करता था। तुम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जितने फिक्र से तुम पेपर वगैरह लिखते होगे ज़िदान, तो 3-3.5 घंटा जब तुम अंदर पेपर देते थे, तो हम लोग भी बाहर उतनी ही फिक्र में रहते थे, मैं भी, तुम्हारी मम्मा भी, सामिया भी। और फिर जब तुम एग्ज़ामिनेशन देकर आते थे बाहर, और मैं तुमसे पूछा था पेपर कैसा गया बेटा, तो तुम बोलते थे पेपर अच्छा गया पापा। लेकिन वो पूछने से पहले जो स्माइल लेकर तुम आते थे ना, तभी मैं समझ जाता था कि अल्हम्दुलिल्लाह पेपर अच्छा गया है माशाल्लाह, और रिजल्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है ज़िदान। वी ऑल आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा, थैंक यू, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। तुमने मेरा नाम सही में रोशन कर दिया। वेल डन बेटे, शाहिद 2.0। वेल डन ज़िदान, वेल डन, वेल डन, थैंक यू। मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी ज़िदान के ये जो 10th का रिज़ल्ट होता ना, हर माँ बाप के लिए, जब तुम्हें लिखना नहीं आता था, नर्सरी, जूनियर, सीनियर, जब सबसे फर्स्ट जब बच्चा पेन पकड़ता है, तो वो नर्सरी से लेकर 9th तक के जो माँ बाप मेहनत करते हैं, वो 10th में तुम्हारा काम हो जाता है ज़िदान। मतलब हर बच्चों का काम हो जाता है कि अब साबित करके बताना कि हमारे माँ बाप ने हम पे कितनी मेहनत की है। तो ज़िदान बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। वो इसी बात पे ये भी एक बात बोलना चाहूँगा मैं कि पेरेंट्स आर फर्स्ट टीचर एंड टीचर्स आर सेकेंड पेरेंट। तो आप लोग जो तुम्हारे जो टीचर्स हैं ज़िदान, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, वो तुम्हारे मेंटोर हैं। तो मेरी तरफ से जो ज़िदान के जो टीचर्स हैं उन सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ाया, सिखाया, समझाया, और बच्चे लोग को अपना बच्चा समझ के आप लोगों ने जो भी कोऑपरेट किया है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। पूरे कॉस्मोपॉलिटन के स्टाफ को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और जो हमारे जो प्रिंसिपल मैडम हैं नीलम पाठक मैडम, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो सामिया, तुम्हारी कुछ प्रतिक्रिया दो। कंग्रेचुलेशन ज़िदान, सो हैप्पी फॉर यू। मतलब मुझे तो पता ही था कि अच्छे परसेंटेज ही आएगा ज़िदान, डेफिनेटली, आई वाज डैम श्योर। पर दीदी, तुमको ये कहाँ पता चला? जब मैं कॉलेज में थी तो पापा का स्नैपशॉट आया ज़िदान की मार्कशीट का, और मैं इतनी खुश हो गई, लिटरली मैं इतने हंसते हुए टाइप करी तो ओह माय गॉड क्या लिखूं क्या। जब मैं तो कॉलेज में थी तो मुझे वो रिएक्शन वो कुछ पता ही नहीं कि हुआ क्या उस टाइम जब ज़िदान का रिजल्ट आया। तुम बताओ ना मुझे भी, और फैमिली को भी बताओ, यूट्यूब फैमिली को भी। हाँ, अभी देखो 1 बजे रिजल्ट आने वाला था, 17th of June फ्राइडे को, ठीक है। अभी पहले से ही रेडियो के सब बैठ गए हैं, 1 बज नहीं रहे, जुम्मा का भी दिन था, अफजल दिन था माशाल्लाह, जुम्मा के दिन ही इतना अच्छा रिजल्ट भी आया, अल्लाह की तरफ से एक समझ लो एक तोहफा ही था ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। हाँ, तो अब 1 नहीं बज रहे, अभी 15 मिनट बाकी है 1 बजने को, अब 15 मिनट नहीं जा रहे, 1 बज गए। अब 1 बज गए तो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी तुम्हारी मम्मा को, ऑन किए। तो 3 साइट है, 3 साइट में से कहीं भी जाके हम लोग एसएससी का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पहली साइट में चेक किए तो एरर बता रहा 404 एरर, हाँ, समझ। अब ये चीज़ होती है, है ना। अब ये चीज़ मैं समझता हूँ, मम्मा को कौन समझाएगा, कहो अरे क्यों रह जा, क्या हो गया। अब फिर से चेक करते हैं, अरे इससे नहीं हो रहा, टैप से चेक करो, टैप से भी नहीं हो रहा, लैपटॉप से करो, लैपटॉप से
उन्होंने तुम्हारा फोन खराब, फोन खराब, वाईफाई खराब रिलैक्स ऐसा होता है, क्या होता है मालूम है, एक बज गया सब एक साथ कम से कम 10 से 15 लाख एक साथ चेक करें तो साइट क्रैश भी होती है, सब्र करो, होगा होगा, नहीं नहीं ऐसा कैसे नहीं कुछ फोन में प्रॉब्लम, फोन क्या समझाओ, हालांकि मैं भी अंदर से क्यूरियस हूँ, मैं बताता नहीं, मेरी मम्मा बता देती अंदर ही अंदर, क्यों मुसीबत क्यों नहीं हो रहा यार, क्या हो रहा है, क्यों क्यों नहीं, सच में हाँ ऐसा सब हुआ है सामने, हम लोग इतने परेशान थे, इतने फटाक से, तुमको क्या लगता है कि उन्होंने क्लिक किया और फॉरन रिजल्ट सामने आ गया, रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, 404 error, इंटरनल एरर, तो मैंने सोचा कि चलो दूसरी साइड पर चेक करते हैं, दूसरी साइड पर चेक करते सेम प्रॉब्लम, तो मैं बोला चलो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट रुकते हैं, कैसे भी करके मैं मम्मा को मैंने समझाया, थोड़ी पब्लिक कम होगी सब लोग चेक कर लेंगे रिजल्ट, है ना, तो 10 लाख से 5 लाख बचे रहेंगे तो, है ना, अब बैठे हैं 1 मिनट क्या 30 सेकंड भी नहीं गुजरा, फिर से चेक करो, अरे मैं तो सही लेकिन फिर बस जो तीसरी जो साइट थी बस वहाँ पर मैंने जब क्लिक मारा तो सिद्धांत का रिजल्ट हो गया, वो मालूम जब ना मैं एकदम उम्मीद हार गया था कि अभी भी एरर ही आएगा, एरर ही आएगा, लेकिन पर सबसे पहले सिद्धांत का नाम लिखा है, अब है ना मेरा ना ऐसा मतलब हाथ मेरे हाथ में सेल फोन था, हाँ मेरा है ना मतलब मैं नीचे ना स्क्रॉल डाउन नहीं कर पा रहा हूँ, अब स्क्रॉल डाउन में ऐसे ऐसे करो, अब सिद्धांत मेरे बाजू में बैठा है, मम्मा भी कि ऐसा क्यों कर रहे, क्या कर रहे लोग, क्या बोले, रुक जा पापा रुक जा, अब मैं स्टार्टिंग में सिद्धांत के मार्क्स देखते जा रहा हूँ, इंग्लिश के मार्क्स, मैथमेटिक्स के, मराठी के, फिर ऐसे ऐसे फिर मैंने टोटल पे देखा, टोटल के नीचे फिर मैंने परसेंटेज देखा, और जो फिर वो जो खुशी थी सिद्धांत मेरा बच्चा तो बेटे बेटे बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट बैलेंस यार, वेरी गुड सिद्धांत, इससे लोगों को एक सीख मिलेगी, यू विल सेट एन एग्जांपल फॉर देम के पढ़ाई ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ बैलेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है, दूसरा काम भी हम लोग कर सकते हैं, जिदान कर सकता है, आप लोग भी कर सकते हैं, जिदान ने वो करके दिखाया, जिदान सोशल मीडिया पे भी एक्टिव था और पेपर भी उसने बाकायदा अच्छे से लिखा, अच्छे से दिया और रिजल्ट इतना अच्छा आ गया है, रिजल्ट अभी भी हमने नहीं बताया है, पब्लिक परेशान हो रही है कि का है भाई इतनी बकायती कर रहा है लेकिन तुम परसेंटेज काहे नहीं बता रहे हैं, परसेंटेज हमें बता दो, हमें मजा आ रहा है, अरे हम आपको नहीं बता रहे तो हमको भी मजा आ रहा है, 7-8 दिन हम भी बहुत परेशान थे भैया, 404 इंटरनल एरर, तो ये थोड़ा फैमिली एरर है, चलने दो इसको, थोड़ा मजा आ रहा है मेरे को, नहीं बोल रहे भैया बता दो डेटा खत्म हो रहा है हमारा, हां ये सब तो ठीक है सिद्धांत, फिर जैसे फिर रिवील हुआ तो फिर मैं भी जज्बाती हो गया, मैं भी इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, इक्वली क्राउड मोमेंट था, इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, हमारी मम्मा भी बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई, डेफिनेटली वो रोने लग गई उसको देख के, फिर सिद्धान भी रोने लग गया, हमेशा तुमने हम लोग की शान बढ़ाई है, हम लोग का नाम रोशन किया है और उम्मीद है कि इसी तरह तुम भी और आगे बढ़ाओगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेल डन बेटा, यू आर योर आइडियल सन, पूरी नज़र से बचाएं, प्लीज़ एक बार सब लोग आप लोग माशाल्लाह बोल देना, अल्हम्दुलिल्लाह बोल देना, और अल्लाह ताला ऐसा ऐसी औलाद, ऐसी नेक वाली औलाद, सामिया सिद्धांत जैसी औलाद सबको नसीब अता फरमाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन, क्या बोलते फिर, और जब रिजल्ट आया था ना उसके बाद जो पप्पा और मम्मा का जो रिएक्शन था वो देख के एकदम सुकून, मतलब जो इतना टेंशन था जब से कि अभी रिजल्ट आएगा, पहले तो एग्ज़ाम का टेंशन था, फिर एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट का टेंशन था, उसके बाद जब आया रिजल्ट, जो पप्पा और मम्मा का रिएक्शन था, बहुत अच्छा लगा था, मैंने यही दुआ करी थी जिदान के अल्लाह जो भी करना बेहतर करना और हमारे हक में जो बेहतर हो, और वही हुआ जिदान, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह एक के बाद खुशखबरियाँ जिदान, थैंक यू, और जो रिजल्ट में मार्क्स आया है, परसेंटेज आए है, सबसे बड़ा हाथ उसमें है आप तीनों का, देखो अगर लॉजिकली देखा जाए तो हाथ तुम्हारा ही है, लॉजिकली इमोशनली देखा जाए तो हाँ हमारा हाथ हो सकता है
बचपन से, बहुत शुक्रिया। हाँ, से सपोर्ट करते हैं। हाँ, तुम लोग ने मुझे पढ़ाया। वो जब मम्मा ने जैसा बोले पेंसिल सबसे पहले हाथ में जो पकड़ा था मैंने, तुम लोग ने लिखाया फर्स्ट लेटर ABCD। और फिर बड़े स्टैंडर्ड्स में दीदी मुझे पढ़ाते थे। मतलब सामिया जिदान दोनों भी कभी ट्यूशन नहीं गए लोग? नो कोचिंग क्लासेस, आई ओन। छोटेपन से, छोटेपन पे तो खुद पढ़ती है और इसको भी पढ़ा, मैं पढ़ा देती थी। फिर तुम्हारे भाई इनको हेल्प कर देता हूँ, समझा देता, पढ़ा देते थे। लेकिन ज्यादातर सामिया इसको हेल्प करती है जिदान को। फौरन अभी जिदान जो है ना अभी रिवील करेगा अपना परसेंटेज। जिदान रिवील करो अपना परसेंटेज, कर दो। हाँ कर दो, कर दो। एक मिनट, मैं भूल ही गया यार। क्या? मैंने तुम्हारा जो परसेंटेज है ना केक पे इम्प्रिंट करवाया है। क्या बात है। अच्छा, तो हाँ, तो हमारी फैमिली को भी केक रिवील करो, तुम्हारे केक के साथ साथ तुम्हारा परसेंटेज भी रिवील हो गया। परसेंटेज भी। हाँ, क्या बोलते, सही है ना? हाँ ठीक, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है। सही है ना बात? सही है, सही है। रॉन्ग, ठीक है, रेडी, 3, 2, 1। चलो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यार, कम ऑन, चलो 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 राइट पे, राइट में। चलो मम्मा ही निकाले। हाँ, तुम निकाल। वेल डन, वेल डन। कितना सॉफ्ट है। मम्मा बहुत टेस्टी है माशाल्लाह। लो भाई, आप लोग भी आओ। जिदान सब वेट कर रहे हैं पार्टी में। उनकी तरफ, उनकी तरफ रेस कर दो। तो ये हमारी यूट्यूब फैमिली जिन्होंने बहुत दुआएं की, ये आप लोग, आप सब लोग आओ खाने में, आओ खाने, आ करो, आप लोगों की तरफ से मैं कहूँ। थैंक यू सो मच माशाल्लाह। तुम सोच रहे हो मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि केक बहुत अच्छा है। बैक टू बैक गुड न्यूज़ आप लोगों की दुआ से। सबसे पहले 3 लाख फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे, फिर NDTV इंडिया पे न्यूज़ आ गई जिदान की, फिर उसके बाद 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए यूट्यूब पे, फिर सिल्वर प्ले बटन आ गया, फिर अभी 4 लाख फॉलोवर्स होने वाले इंस्टा पे, और माशाल्लाह ये 80.80% ऑफ अचीवमेंट। अरे सामिया भी तो न्यूज़ में आई थी, माशाल्लाह। हाँ, और अभी रिसेंटली सामिया की भी न्यूज़ आई है NDTV इंडिया पे। क्या बात है सामिया, तो उसमें सबने जिदान ने डांस किया अपनी दीदी के साथ। जिदान ने डांस किया पापा और दीदी के साथ, और फैंस की नजर टिकी रही मम्मा पे। मम्मा पे ढूंढ रहे, मम्मा को क्यूट भाई बहन कह रहे हैं, मम्मा को ढूंढ रहे, मम्मा किधर है ना, मम्मा किधर है, ये सवाल है उसमें कि मम्मा किधर है। मम्मा बताएगी मम्मा किधर है। जब भी तीनों डांस कर रहे थे तो मैं शूट कर रही थी। ऑब्वियसली मैं शूट कर रही थी बिहाइंड द सीन। सो फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशन जिदान। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट, वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा, कीप इट अप। और ऐसा बहुत आने वाला है, ऐसी बहुत सी गुड न्यूज़ तुम्हारी तरफ से आने वाली है, मुझे पूरा श्योर है, आई एम डैम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ठीक है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी एट ऑल, किधर भी कहीं भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं हूँ। ठीक है, चलो तो चलिए ये व्लॉग हम यही एंड करते हैं। थैंक यू, तो ये व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।
दुआ में याद रखना, और जब तक कि अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखना। अगर आप सबको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्द ही हाजिर होता हूँ नए व्लॉग के साथ, जब तक कि टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। बाय, लव यू ऑल, इट्स मी ज़िदान, मेरी जान। मैंने मैं भी ऐसे ही बोल रहा था।